हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी की, जिनके प्रति लोगों की अपार भक्ति और श्रद्धा है। कहा जाता है कि हर युग में कोई न कोई अवतार आया जिन्होंने सबको पार लगाया। इस कलयुग में शिव ही हमें भवसागर पार करा सकते हैं। मानव जात के उत्थान के लिए स्वयं शिव जी को मानव रूप में आना पड़ा है। शिव जी की महिमा का गुणगान बिना शिव की इच्छा के कोई भी नहीं कर सकता, और ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी के रूप में गुरु जी आए। संगत के सभी लोगों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम लोग गुरु जी के बारे में जानते हैं। जो नई संगत है वे भी जाने, और जो हमारी पुरानी संगत है वो भी जाने गुरु जी के बारे में। चलिए हम पूरा विस्तार से जानते हैं। गुरु जी दिव्य ज्योत थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब की मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, गुरु जी के जन्म पर सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है, वह शिव थे और हैं, जिनका चित्रण उनके नीलकंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप देखा है। डुगरी कृषि प्रधान ग्राम था और गुरु जी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरु जी अक्सर निकट ही संत सेवादास जी के डेरे पर मिलते थे। उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत जो चाहते थे, गुरु जी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देते थे। उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी भी कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरु जी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरु जी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। इन शब्दों की महत्ता कि गुरु जी त्रिलोकीनाथ हैं। उस समय भी या दशकों उपरांत जब उनके भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई, समझ में नहीं आई, किंतु देवतत्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनकी एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पूर्व टूट गया था। गुरुजी ने उसको अपना पेन दे दिया, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण करी, और गुरुजी ने उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। आप लोग समझ रहे होंगे कि जो है गुरुजी के साथ जो सहपाठी था उसका पेन टूट गया था, तो गुरुजी ने अपना पेन दे दिया और उस टूटे हुए पेन से गुरुजी ने स्वयं लिखा। आगे हम गुरुजी के बारे में जानते हैं। यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में
आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाने की घटनाओं से सदा विस्मित रहते थे। गुरुजी अपने पिता की इच्छा के पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य सामान्य अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में दो उपाधियां प्राप्त करी। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे, कुछ दिन रहते थे और फिर या तो चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति गुरुजी उनको गुरुजी से संबोधित करती थी और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए देखा जा सकता था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थ संगत उत्तर देते थे कि उन महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्मा ही में ही समाहित है। दोनों एक ही नाम है। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है उसका लोप हो चुका था। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्तिहीन और अर्तन्यामी थे। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उसके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया। लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांशतः आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय और व्यापार कर्मजनित रोगों से संबंधित होती थी। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समूचे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कह रहे थे कि असल चीज तो कोई मंदगा नहीं, वह तो दिव्यता के रूप मूर्त रूप थे और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आए। नम्रतापूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम थे। गुरुजी तो दाता थे, उनकी न कोई आशा थी न ही उन्होंने किसी से कभी कुछ ग्रहण किया। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे, जैसे जालंधर में रहे, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की। इन बंजर भौतिक वास से तप्त प्रदेशों में बहने लगी। गुरुजी के पास पूरे भारत से और पूरे समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके द्वार सबके लिए खुले थे, चाहे वह उच्च या निम्न, अमीर या गरीब, पड़ोसी या विदेशी हो। गुरुजी सबके लिए अपना ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद देते थे। यह सत्संग आप लखनऊ में पांडरीबा के पास देख रहे हैं। करिए सिमरन करिए सत्संग दे विच आके भुल जाइए सारी दुनिया नु ध्यान तेरा इक लाके। सेवा करिए सिमरन करिए सत्संग दे विच आके भुल जाइए सारी दुनिया नु ध्यान तेरा इक लाके। और नहीं कुछ मंगना ते तू, और नहीं कुछ मंगना ते तू, कर दे पूरी आओ
सतगुरु मेरे प्यार, एक सहारा तेरा सच्चा, झूठे सकल सहारे नाल सानू जोड़ी रखी, सतगुरु मेरे प्यार, एक सहारा तेरा सच्चा, झूठे सकल सहारे रामा डोल तू होण ना देवी, रामा डोल तू होण ना देवी, साहिल दा विश्वास बसे हो अरदास जी, बसे हो अरदास, बसे हो अरदास गुरु जी, बसे हो अरदास। दूर करीना चरणा कोलो, दूर करीना चरणा कोलो, रखी अरदम पास, बसे हो अरदास गुरु जी, बस। गुरु जी अपने भक्तों और सभी संगत के लिए एक समान थे और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को कहते थे। उन्होंने भक्तों को शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कथन था कि सब ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान है और उन सबका मूल एक ही है, एक परमेश्वर है और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे, यह जानते हुए भी कि उनके शरीर को हानि भी होती है। वह अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे। उनके और उनके अनुयायियों के लिए संगत उनके भक्तों की सभा सर्वोच्च थी। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करे, किसी को भी निंदा न करे, किसी की भी निंदा न करे, सबकी सहायता करे और किसी की भी हानि न करे। यद्यपि वह पूर्व कर्मों की आधी में से अपने भक्तों को निकाल कर उसको जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे, वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए गुरुजी सबको धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक थी। कल्याण कित्ता गुरुजी कहते थे और भक्त को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति तक है। तो आप समझ रहे होंगे गुरुजी का जो आशीर्वाद है वो सबके लिए होता था। आगे हम लोग गुरुजी के बारे में और पढ़ते हैं। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, वह सदा व्यवहारिक आध्यात्मिकता के कर्ता थे, जैसा वह अक्सर कहा भी करते थे। उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। वह भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते थे जहां पर सुख आपूर्ति और शांति सुगम होती थी, मार्गदर्शक बन जाते थे जो न केवल अनुयायी को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते थे, वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराते थे। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाब के पुष्पों सा सुगंधित शरीर त्याग दिया। एक प्रकार से यह एक शिक्षा थी। उन्होंने अनुयायियों को बता दिया था कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, जिस भांति वह चले गए। उन्होंने यह पाठ सबके मन पटल पर अस्थायी तौर से छोड़ दिया।
अति सुंदर बाग में स्थित सबको मंत्रमुग्ध करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर उनकी आध्यात्मिक धरोहर है। वह इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी पर स्वर्ग भी कहा जाता है, जिसे हम लोग बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं, और इतना शक्तिशाली है कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजरना ही पर्याप्त है। आप लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली में जो बड़े मंदिर है, अगर आप उसके आसपास से निकट से गुजर जाते हैं तो भी गुरु जी का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। उस मंदिर में इतनी शक्ति समाहित है। गुरु जी के बारे में और आगे हम आपको सुनाते हैं। गुरु जी के बारे में एक कहानी आपको बताते हैं कि गुरु जी सर्वत्र जगह हैं, उनकी कृपा सर्वत्र जगह है। आपको उदाहरण से समझाते हैं। एक संगत के साथ ऐसा हुआ था, जो संगत ने स्वयं बयां किया था, उस संगत की बातें हम बताते हैं आपको। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। सन 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। अध्यात्मता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरु जी के पास पहुंचे और उन्हें रोग और डॉक्टरों के परामर्श के बारे में बताया। गुरु जी ने अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को पेट में बहुत दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह साधारण पेट दर्द था और बाद में ठीक हो गया। गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया गया और कुछ ही देर बाद वह पेट से काफी उनको आराम मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे हम और आपको एक सत्संग में जो हुआ था और जो सत्संग में आए हुए संगत के जो लोग थे, जिनको गुरु जी की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिला था, उन्होंने अपनी बात बताई थी कि गुरु जी 2 स्थानों पे भी हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि गुरु जी 2 स्थानों पे एक साथ एक समय पे कैसे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे गुरु जी आपके पास आ सकते हैं। और गुरु जी कहीं सत्संग में हैं और आपको दुख है तो गुरु जी आपके पास भी आ सकते हैं। एक संगत के साथ ऐसा हुआ था, जो संगत जी ने शेयर किया है, मैं आपको उनकी बातें बताता हूँ। सन 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरु जी से, उस समय जलंधर में थे, आप समझ रहे हैं गुरु जी जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना की। उस समय सायं के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरु जी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। आप समझ रहे हैं कि दरवाजा बंद था, फिर भी गुरु जी प्रवेश कर लिए। हम गुरु जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गुरु जी ने मेरी पत्नी को 1 गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने वह जल माँ को 2 चम्मच पिलाने को कहा और बताया गया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरु जी फिर 10 मिनट तक बाहर न आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरु जी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जलंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि गुरु जी तो उस समय जलंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया
और गुरु जी के कहे अनुसार रात के 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरु जी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जलंधर में भी थे और हमारे घर में भी थे। तो आप समझ गए होंगे, गुरु जी को आप जहाँ दिल से पुकारेंगे, मन से पुकारेंगे, आत्मा से अपने पुकारेंगे, गुरु जी सर्वत्र जगह हैं। आपको गुरु जी का दर्शन और गुरु जी का ब्लेसिंग जरूर होगा, मिलेगा। आप कभी भी अपना दिल मत छोटा करिएगा, कभी भी आपको कोई भी पीड़ा हो, बड़ा से बड़ा रोग हो, गुरु जी पर विश्वास करिएगा और उनके जल का सेवन करिएगा। उस जल में बड़ी ताकत गुरु जी ने दी है, आपका बड़ा से बड़ा रोग और बड़ा से बड़ा संकट दूर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत के सभी लोगों को मैं बता दूं कि गुरु जी का जो जल प्रसाद है और गुरु जी का जो ब्लेसिंग है वो पूरे भारत में फैला हुआ है उनका चमत्कार, और पूरे विश्व में धीरे धीरे गुरु जी का चमत्कार फैल रहा है। आप गुरु जी के बारे में जैसा सोचते हैं आपको गुरु जी वैसा ही मिल जाएंगे। यदि आप सोचते हो कि गुरु जी माँ दुर्गा के रूप में मिले तो आपको गुरु जी माँ दुर्गा के रूप में मिलेंगे। आप चाहते हो कि शिव जी के रूप में मिले तो आपको गुरु जी शिव जी के रूप में भी मिल जाएंगे। आप गुरु जी को जिस रूप में पाना चाहते हैं उस रूप में गुरु जी आपको जरूर दर्शन देंगे। आप एक बार दिल से गुरु जी को पुकारिएगा, गुरु जी आपसे मिलेंगे। और आपको गुरु जी का एक सत्संग और शेयर करता हूँ। एक संगत थे, वो चाहते थे कि गुरु जी उनको शिव दर्शन के रूप में मिले, तो वो संगत को शिव जी के रूप में मिले हैं, उन्होंने शेयर किया है। मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ संगत जी ने क्या बताया था शिव दर्शन के बारे में। मेरी पुत्री भी गुरु जी की भक्त है, मेरी पुत्री भी गुरु जी की भक्त है। सन 1998 में गुरु जी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरु जी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की प्रार्थना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कमरे में गुरु जी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित होते हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव जी को गुरु जी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरु जी के दर्शन के लिए गए। गुरु जी के निकट जाने पर उसे गुरु जी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंद मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरु जी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरु जी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण करी। तो आप समझ गए होंगे कि वो जो लड़की थी वो शिव दर्शन चाहती थी कि गुरु जी उसको शिव दर्शन दें, शिव के रूप में दिखें। तो उस लड़की को गुरु जी जो है शिव दर्शन कराएं, गुरु जी ही शिव बन गए और उस लड़की को साक्षात उसने देखा। तो आप समझ गए होंगे हमारे जो गुरु जी हैं वही शिव हैं, वही त्रिलोकीनाथ हैं, वो सब जगह हैं और सबके दिलों में हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि जो गुरु जी का जल प्रसाद है जो बड़े से बड़े रोग को दूर कर देता है। हमने देखा है कि जो है ऐसे संगत के लोग परिवारों में बड़े बड़े रोग और बड़े बड़े जो है बीमारियों से ग्रस्त थे। यहाँ तक कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब ये नहीं बच पाएंगे। उसके बाद गुरु जी का जो जल है काफ़ी चमत्कारी रहा है। हम आपको गुरु जी के जल के बारे में बताएंगे और आप सभी
जो संगत में नए लोग हैं और जो हमारे संगत में पुराने लोग हैं सत्संग में बैठे हुए, सभी लोग ध्यान से सुनने। जो जल है गुरु जी का, बहुत शक्तिशाली जल है। जल के बारे में एक आपको सत्संग में जो हुआ था जल का चमत्कार, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 28 अप्रैल को 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गईं। मुझे हॉस्पिटल में प्रविष्ट कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। इको और ईसीजी परीक्षण परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। मेरे हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टरों के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने 1 गिलास जल मंगाकर मुझे अपने कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। कुछ दिन के बाद डॉक्टर करलेपिया दिल्ली में सरेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा किए और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम स्वरूप देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार संभव नहीं है। लखनऊ लौटने पर मैंने यह परिणाम स्वरूप डॉक्टरों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं था। उस समय मैं बिल्कुल स्वस्थ था। ऐसी ही गुरुजी की दिव्य शक्ति उस जल में है। तो आप समझ गए होंगे, सभी संगत में आए हुए लोग, हमारे साथी, कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है, आप उस जल प्रसाद को हमेशा पूरा पिए। एक बूंद भी जल प्रसाद का नुकसान नहीं होने दे। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन कृष्णवाहन साजे ओम हर 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 दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भाले शुभकारी ओम हर हर हर
विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी इत उठी भोग लगावत महिमा अति भारी स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे स्वामी जो कोई नहीं गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रज शिव ओंकारा शिव पार्वती प्यारा शिव नंदी चरण माला शिव ओढ़त मृग छाला शिव गाथा परवाला शिव प्रेमत भंग प्याला शिव रहते मन वाला शिव पूरी जटा वाला शिव गले रुंड माला जटा में गंग विराजत जटा में गंग विराजत आसन मृग छाला जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। आप लोग यह सत्संग लखनऊ में पांदरीबा चारबाग में देख रहे हैं। गुरु जी का यह सत्संग काफ़ी विशाल है और यहाँ पे काफ़ी संगत में लोग गुरु जी के जो शिष्य हैं आए हैं और आगे हम गुरु जी के बारे में आपसे बात करेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक प्लाट खरीदा साझे में। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर गुरुजी ने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यप मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। गुरुजी ने बताया कि जो मैं था और मेरा साला था
संबंध बाद में बिगड़ेंगे। आगे चलते हैं हम कहानी में। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और एक वर्ष बीतने पर ही पुनः प्रारंभ हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन किराए से मुझे अपने हिस्से के 50 रुपए मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हो गई। अंततः कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ मिल गया, परंतु जो मेरा साला था उससे झगड़ा हो गया और हम दोनों अलग अलग हो गए थे। गुरुजी की बात अंत में सत्य हो गई थी। तो आप संगत के सभी लोग समझ गए होंगे, जो गुरुजी कहते थे वो संगत के साथ हो जाता था और संगत के लोग उसका परिणाम भी देखते थे। आगे हम लोग गुरुजी के बारे में और जानते हैं। एक बहुत अच्छी घटना हुई थी कि बिना ईंधन यात्रा कैसे करें। तो एक बार की बात है, 1989 ईस्वी में पटियाला में मैं जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जलंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपए और दिए। वापिस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। तब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। तो गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखाई दे रहा था। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही थी। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते गाड़ी वैसी ही चलती रही। आखिरी दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यकाल में सेवारत था। तो आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि गुरुजी के अंदर कितनी शक्तियां समाहित है। गुरुजी स्वयं शिव हैं। आप गुरुजी के साथ ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें, आपका कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसा माना जाता है कि गुरुजी से जो आप मांगते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग आपको जरूर मिलती है। एक भक्त ने अपने पुत्र के लिए रक्षा के लिए गुरुजी से आशीर्वाद मांगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं गुरुजी की कहानी। पुत्र रक्षा के लिए, 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था, वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थीं। उसके कान से रक्त प्रभाव हुआ था, उसकी गर्दन और मुंह इतने सूज गए थे कि उसे पहचान पाना कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी
और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर चकित थे, इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में हेमरेज हुआ था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रभाव कान से हो गया था। डॉक्टर तुरंत सर्जरी करवाने के लिए कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा की। रात में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसका मुख पैरालाइज हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टरों को विस्मित करने के लिए उसका लकवा दो दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की कोई भी चोट नहीं रह गई। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे बेटे को शिव के रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों को करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको गुरुजी में आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है, नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह तो इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास करके उनके आशीर्वाद का ग्रहण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे सभी संगत के लोगों को गुरुजी का ऐसे ही ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।